रमज़ान के महीने में अफ्तारी में कुछ समझ नहीं आता क्या बनाएं क्या ना बनाएं, और एंड टाइम पे पकौड़े और समोसे ही आते हैं। अब जो मैंने डिशेस बताई हैं ये आप लोग इजीली बना सकते हैं घर पे। स्टफिंग तो आप बनाते रहते हैं पोटैटोज़ की, लाइक आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ शामी, और आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने बनाए हैं ब्रेड पोटैटोज़, और ये सैंडविचेस हैं, इसका नाम है पोटैटो स्टफिंग ब्रेड। आप इसको बनाएं, इसकी रेसिपी देखते हैं हमने ये कैसे बनाया। ये बहुत ही यम्मी है, आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस, बच्चों को बहुत पसंद लगते हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं युसरा यासिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युसरा यासिर किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। थोड़ी सी दिक्कत आई होगी कुछ बनाने के लिए, तो आज मैं आपको दो तीन आइडियाज़ देती हूँ। आइडियाज़ कुछ इस तरह से कि पोटैटो स्टफिंग तो हर घर में बनती है, लाइक आलू के कबाब बन रहे हैं, आलू के समोसे बन रहे हैं, आलू के रोल बन रहे हैं, आलू की चीज़ें बन रही हैं। आज मैं आलू को दो नई डिफरेंट चीज़ें आपको बताऊँगी, आलू के और ब्रेड के, मतलब मिला के। ये होंगे पोटैटो, मतलब ब्रेड पोटैटो और पोटैटो ब्रेड। ये एक्चुअल में मेरे छोटे होते से मैं यूज़ करती आ रही हूँ, बनाती आ रही हूँ। एक का नाम है पोटैटो बॉल, ब्रेड पोटैटो बॉल, और दूसरा है, मतलब मैं ब्रेड के ऊपर स्टफ़ करूँगी जो पोटैटो की स्टफिंग है, उसको मैं कहती हूँ ब्रेड स्टफ, मतलब पोटैटो ब्रेड स्टफ। फिलिंग के लिए आपने अगर मेरी पुरानी समोसे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि मतलब जो स्टफिंग है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको दोबारा से बता दूँगी। और उसके लिए मैंने लिए हैं 5 बॉयल्ड पोटैटोस, इनको मैंने बॉयल कर लिया, इनको मैं मैश करूँगी। और इसके अलावा मैंने लिया है धनिया, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, और एक मीडियम साइज़, मतलब स्मॉल टू मीडियम साइज़ एक प्याज है जो इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं ब्रेड, ब्रेड मैंने लिए हैं 1-5 स्लाइसेस है, ठीक है। इसके इसमें से हाफ जो है वो मैं यूज़ करूँगी पोटैटो बॉल्स के लिए, और हाफ जो मैं यूज़ करूँगी स्टफिंग के लिए। तो इस जब बॉल्स के लिए उसमें से मैं इसकी जो एजेस है वो उतार दूँगी, रिमूव कर दूँगी, और ऑयल मतलब फ्राई करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। अब पहले मैं इसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। पैन मेरा हो गया गर्म, अब इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा गर्म करूँगी। और इसमें डालूंगी प्याज, प्याजों को मैं सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। ये अफ्तारी में बहुत मज़े की लगती है डिशेस, आप इसको बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे। और एक अफ्तारी में एक नई चीज़ बन जाती है। Thank you.
कटोर करके आप लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल के थोड़ा सा इसको मतलब तड़का है जिसको कहते हैं लगा के ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, वन टी स्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें और वेजेस भी ऐड कर सकते हैं लाइक पीज हैं मतलब मटर और शिमला वगैरह, आप कुछ भी मतलब सब्जियां ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें बाकी के पोटैटो डाल के मसाले को फ्राई कर देंगे। इसको अच्छे से भून लें और मिक्स कर लें। मैं डालूंगी हरा धनिया, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। एक प्लेट में मैंने पानी ले लिया और ब्रेड के मैंने एजेस उतार दिया। अब हमने करना ये है कि हमने ज़रा सा ब्रेड को डिप करना है पानी में और उसको निचोड़ लेना है। आपने ट्राई करना है कि ये टूटे नहीं, ध्यान रखना है। अब हम अपनी पोटैटो फिलिंग ठंडी हो गई थी, इसको इसके अंदर रखेंगे इस तरह से और यूँ बंद करके इसको एक बॉल बना देंगे। और जहाँ से आपको लगे कि फट गई है तो आपने इसको इस तरह से बंद कर देना और एक बाउल बना देना। इस तरह से आपने बॉल बना लेने, ये देख लें ये टूटेगा नहीं जब आप इसको फ्राई करेंगे। बस आपने ध्यान से इसको रोल करते रहना, जहाँ जहाँ से आपको लगे कि ये ओपन है वहाँ से आपने इसको दबा के और बंद कर देना। इसी तरह से हम अपने बाकी के बॉल्स बना लेंगे। एक कढ़ाई पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। मेरा ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है और मैं अपने पोटैटो बॉल्स जो है इसमें डाल दूँगी।
ब्रेड पोटैटो हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, फ्राइड हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। ब्रेड पोटैटो के बाद मैंने दूसरा कढ़ाई जो है वो उतार दी थी। अब मैं इसको पैन में दूसरे ब्रेड स्टफिंग को पैन पे फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके ये आप देख सकते हैं इस तरह से एक अंडे को मैंने फेंट लिया था। अब मैं इसको इसके ऊपर लेप करूँगी, देन दूसरी साइड से, और अब इसको मैं डाल दूंगी फ्राइंग पैन पे। जब आपकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तब आपने इसकी ध्यान से साइड चेंज कर देनी है और इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करना है। ब्रेड स्टफिंग हमारी रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के बना के इसको डिश आउट कर लेंगे। ब्रेड पोटैटो और ब्रेड पोटैटो स्टफिंग रेडी है। मैंने इनको डिश आउट कर लिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में हमें बताएं। थैंक यू सो मच।